स्टूडेंट्स. चलो करना चाहते हो मेरे साथ मेडिटेशन एंड 4x4 टेक्निक, पर इसे रेगुलर करना पड़ेगा तब आपके जीवन में बदलाव आएंगे. मेरे कहने पे इसे 7 days करना, कुछ नहीं अपने दिन के 15 मिनट देने और आप इसके वंडरस रिजल्ट्स देखना. एक बार मुझे टाइम देखने दो, अपने पास है क्या टाइम, और ये टाइम करें शुरू. सब लोग अपनी कॉपी बंद कर दो, पेन बंद कर दो. बहुत अच्छी पढ़ाई की आप लोगों ने आज, अपने को टाइम भी मिला है देखो सब करने के बाद. चल जो स्टूडेंट्स नहीं है इंटरेस्टेड वो आज की क्लास कैसी लगी उस पर कॉमेंट और स्टार रेटिंग करके थैंक यू बोल के मुझे जा सकते हैं, पर मैं चाहूंगी कि आप लोग इसे करिए. देखो पहले तो एक बात समझो, मेडिटेशन को आध्यात्म को रिलीजन से मत जोड़ना. धर्म अलग चीज है और आध्यात्म अलग है. स्पिरिचुअलिटी का इतना सा मतलब है कि हम उस हायर पावर से कनेक्ट हों और हमारी जो लिमिटेशंस हैं उसे हम ओवरकम करें. वो लिमिटेशन किसी भी रूप में हो सकती है. हो सकता है आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, हो सकता है आप को नींद बहुत आती है, हो सकता है आप कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाते, हो सकता है आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो, आप सोचते बहुत ज्यादा हो, ओवरथिंक बहुत करते हो, नर्वस जल्दी हो जाते हो, आती हुई चीज गलत हो जाती है. जिसकी जहां लिमिटेशन है उस लिमिटेशन के परे जाना. ऐसा समझो कि हम सब एक ऊर्जा के साथ एक एनर्जी के साथ पैदा हुए हैं. जितनी ऊर्जा होगी उतना ही हम काम कर सकते हैं, जैसे जितना पैसा होगा उतने ही हम शॉपिंग कर सकते हैं. तो हमारी ऊर्जा तो फिक्स है, लेकिन ऐसा समझो कि अगर हमें कोई अरबपति खरबपति करोड़पति गोद ले ले तो सडनली हम उसकी दौलत के मालिक बन जाएंगे और हमारी जो लिमिटेशंस थी वो हट जाएंगे. हम कोई भी गाड़ी कोई भी घर खरीद पाएंगे. ठीक इसी तरह मेरे स्टूडेंट्स, जब हम उस हायर पावर से उस नेचर से कनेक्ट होंगे तो वहां की इनफाइनाइट एनर्जी हमें मिलेगी और फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा जीवन में क्रिएट होता है. ब्लेसिंग से आशीर्वाद से बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे जीवन में हुआ है, इसीलिए मैं बात कर रही हूं और कई स्टूडेंट्स के साथ कई पेशेंट्स के साथ ये फॉलो करने पर हुआ है. पर इसे करना पड़ेगा. सबसे पहले अपनी बुक्स वगैरह साइड में रख दो. पहली चीज, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको नहाकर ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो. मेरी सलाह आपको यह कि सुबह उठने पर इसको जरूर करो, उठते क्योंकि उस समय हम फ्रेश होते हैं, और एक रात को सोते टाइम करो. ये करते करते आपको नींद आ जाएगी पर बहुत साउंड स्लीप आएगी. नंबर टू, एक ही चीज होती है, इसमें सीधे बैठना है. जरूरी नहीं है आप जमीन पर बैठे, आप बेड पे बैठ सकते हो, आप चेयर पे बैठ सकते हो. किसी को बैकएक की प्रॉब्लम है तो आप चेयर भी यूज कर सकते हो, लेकिन अपनी पीठ सीधी रखना, अपना स्पाइन सीधी रखना है. सब लोग स्पाइन सीधी कर लो. कोई चाहे बाद में तो आप थोड़ा सा पिलो भी लगा सकते हो. अब वैसे तो ध्यान आंख खोल के भी हो सकता है, ध्यान लगाया नहीं जाता, लगता है, लेकिन शुरुआत के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे क्योंकि अगर हमने आंखें खुली रखी तो हम डाइवर्टेड होंगे. तो सब लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए. अब अपने इष्ट को याद कीजिए, जो भी ईश्वर का स्वरूप आपको अच्छा लगता है, जो भी भगवान देवी देवता, अगर आपके कोई गुरु हो, और अगर आप किसी को भी नहीं मानते हो तो निराकार जो भी सत्ता को आप मानते हो, कोई ना कोई तो है जो हमसे ऊपर है, उनसे एक बार सच्चे दिल से छोटे बच्चे की तरह प्रार्थना करिए कि मुझे ऊर्जा दीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए और मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ाइए. ठीक है, अगर स्पाइन में ज्यादा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबली बैठना है वैसे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई आसन पद्मासन कोई जरूरत नहीं, आपकी बॉडी कंफर्टेबल होनी चाहिए क्योंकि बॉडी कंफर्टेबल होगी तभी अपन अपने अंदर उतर पाएंगे. अब एक्सपेरिमेंटली मैं एक चीज आपको करवा रही हूं, ये आपको रोज नहीं करनी होगी. आप आंखें बंद हो गई हैं, कोई कमेंट मत करना अब यस या नो. अब आप कोई ऐसा इंसिडेंस याद करिए बचपन से लेके आज तक जब आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ है. वो किसी की डेथ हो सकती है, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से झगड़ा हो सकता है, या आपको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ है, किसी ने बहुत नीचा दिखाया है, बहुत दुख हुआ है, बहुत नीचा दिखाया है, कुछ ऐसा जिससे आज भी आपके अंदर बहुत रोना या बहुत गुस्सा आता है. आई एम श्योर सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा. उसे एक बार याद करिए.
इतना याद करिए, इतना डूबिए उस इमोशन के अंदर कि आपको वापस वही रोना या वही गुस्सा आ जाए। जो भी आ रहा है आने दो, जो भी इमोशन आ रहा है आने दो, करिए इसे मेरे साथ। जो भी दुख है, जो भी गुस्सा है, उसे याद करिए। कमेंट मत करिए, कोई कमेंट बॉक्स में अभी कुछ मत लिखो, उसमें डूबो पहले। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आप वैसे ही आंख बंद करके शांत बैठिए, बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप बहुत लकी हैं। फिर अब आपको क्या करना है, आपके अंदर वो दुख और वो गुस्सा वापस आ रहा होगा, अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको सांस लेनी है जैसे मैं बता रही हूं। आप सांस अंदर लोगे, अपने मन में काउंटिंग करना सांस लेते में, मान लो आपने 5 तक काउंटिंग करो, सांस अंदर लो 5 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 मन में काउंट करो, और 5 की काउंटिंग तक सांस रोको, फिर 5 की काउंटिंग में सांस छोड़ो, और फिर 5 की काउंटिंग में सांस रोको। ये एक सर्कल हुआ। 5 की काउंटिंग में सांस अंदर ली, 1 2 3 4 5, 5 की काउंटिंग में रोकी, 5 की काउंटिंग में छोड़ी, और 5 की काउंटिंग में फिर रोकी। ये करो 5 साइकल्स। एक साइकिल है सांस लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, ऐसी 5 बार करो मेरे कहने पे, करिए। सांस अंदर लेना है, रोकना है, छोड़ना है, फिर रोकना है, फिर लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना। आज आप जब इसे अकेले घर पर करेंगे तो बिलीव मी, आप इस साइकिल को 5-7 बार करोगे ना, आपके विचार शांत हो जाएंगे। अब जब आप इसे घर पे किया करेंगे तो आपको हर बार वो दुख गुस्सा नहीं लाना, आप नॉर्मल बैठो और ये साइकिल शुरू कर दो। ज्यादा टेक्निकल चक्कर में मत पड़ना, धीरे धीरे क्या होगा, 5 की जगह हो सकता है 6 काउंटिंग हो जाए, 4 काउंटिंग हो जाए, कोई बात नहीं है। अपना उद्देश्य है उसमें डूबना, अपने विचार कम होने चाहिए, ये उद्देश्य है। आप इसे 5-7-8 बार करना, आपके विचार शांत होने लग जाएंगे, और जब विचार शांत होने लग जाएंगे तब आपको मेडिटेशन शुरू करना होगा, जो अब मैं बता रही हूं। इसे बोलते हैं 4x4 टेक्निक। बताइए ये करके, जितने स्टूडेंट्स ने अभी से सिंसियरली किया, जिन्हें गुस्सा या दुख आ रहा था, मुझे बताइए कि आपके थॉट्स कम हो गए हैं। देखो जय ने लिखा, आई एम फ्री ऑफ माई थॉट्स। विशाखा, वाओ मैम इट वॉज अमेजिंग, आंखों से आंसू आ गए। पलक, इट वर्क विथ, यस यस, इट टेक्स टाइम। अभी तो हमारे पास इतने विचार होते हैं, हम एक मिनट आंख बंद करते हैं और कभी वो पुराने साल का कुछ आता है, कभी दोस्त आता है, कभी रिश्तेदार आता है, कभी बचपन की बात याद आती है, कभी आगे की टेंशन आती है, इतने विचार आंधियों की तरह आते हैं।
इसे रेगुलर करो। मैं आपको लिख कर दे रही हूं, आपकी नींद कंट्रोल हो जाएगी, ज्यादा आती है तो कम हो जाएगी, कम आती है तो ज्यादा होके बैलेंस हो जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल, मेरे कहने पे एक हफ्ते इसे करो रोज डेली, कुछ नहीं करना, आपके मुश्किल से 2 से 3 मिनट भी नहीं जाएंगे ये करने में, इसको करो। जब भी आप बीच में डिप्रेस हो जाते हो, डाउन हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, मेरे कहने पे सब चीजें छोड़ दो, किताब विताब छोड़ दो, आंख बंद करो, अपने इष्ट को याद करो, जिनसे भी आपको प्रेम है उनको प्रार्थना करो, प्रेम से याद कर लो 1 सेकंड में बस, और ये टेक्निक करना शुरू कर दो। आप देखना 5-7 बार में आपको कैसा अमेजिंग फील हो जाएगा, कितनी एनर्जी आ जाएगी। देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स बच्चे यहां पर कर रहे हैं, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में डालना ताकि सब स्टूडेंट्स मोटिवेट हो। अब आइए हम मेडिटेशन करना सीखते हैं। मेडिटेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? मेडिटेशन का मतलब होता है, देखो एक शब्द होता है कॉन्सेंट्रेशन और एक शब्द होता है मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एक विचार, वन थॉट पर कॉन्सेंट्रेट होना, वन थॉट। जैसे बोलते हैं ना मुझे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना है, आप लोग फ्रेश फील कर रहे हो सब? वन थॉट, बस जो मैं पढ़ रही हूं मैं वो ही पढ़ती रहूं। वो जो बोलते हैं ना अर्जुन को मछली की आंख दिखी, वो कॉन्सेंट्रेशन है। पर मेडिटेशन का मतलब होता है नो थॉट, जीरो विचार, जीरो विचार। ये वैक्यूम में क्रिएशन होता है एनर्जी का। मोबाइल भी सबसे अच्छा चार्ज कब होता है? जब उसे ऑफ करके रख दोगे। आज अगर मुझे इस कमरे को रेनोवेट करना है तो पहले मुझे पूरा तोड़ना पड़ेगा, तो जब सारे विचार हटते हैं वहां से इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, बट इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस लगती है। 4x4 टेक्निक मेरे कहने पे सब लोग ने अगर 5 से 7 मिनट कर ली ना, दिन में 2 बार 3 बार आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखोगे। आपके नीट में सिलेक्शन में हेल्प करेगा, कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करेगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी, नींद रेगुलराइज हो जाएगी, फ्रेश रहोगे। अब मेडिटेशन में क्या करना है, या एक काम करते हैं, आज मैं आपको 4x4 टेक्निक सिखाती हूं। 1 वीक तक 4x4 टेक्निक रेगुलरली फॉलो करो। अगले हफ्ते हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे जहां मैं आपको मेडिटेशन बताऊंगी। देखो इतना अच्छा फील कर रहा हूं मैम, बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। इसको करना रेगुलर और मेरे साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। ये वो चीज है जो मेरी जिंदगी में बदलाव लेकर आई थी, जिससे आज जो आप गुरुमा बोलते हो, मुझे जो आप बोलते हो मैम आप हमेशा स्माइलिंग कैसे रहते हो, इतना सारा काम कैसे करते हो, उन सबके पीछे का रहस्य सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही। ऑलराइट, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में स्टूडेंट्स, और अगली क्लास में तक आपको ये सब कुछ अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं लिविंग वर्ल्ड की, और कल उसका रिवीजन लेक्चर भी आ जाएगा, PYQ ऑलरेडी अटैच्ड है, ये सब टिप्स पर कर लेना। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, वो अच्छे से टिप्स पर कर लेना, लर्न कर लेना। मेरे आगे भागने की जरूरत नहीं है और मेरे से पीछे रहने की भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ रहना है। तो याद रखना कि अगर आप जीवन बदलना चाह रहे हो, मोटिवेशन का सोर्स ढूंढ रहे हो, वो अपने अंदर है, अपने अंदर के ईश्वर को जगाओ। और जैसा भी कुछ लोग लिख रहे थे, बिल्कुल सही बातें, यही बातें गीता में भी कही है, यही कुरान में भी कही है, यही बाइबल में भी कही है, मैंने सब पढ़ी है। क्रक्स सबका एक ही है, अपने ईश्वर की शरण में जाना और अपने आप को उस हायर पावर के सुपुर्द करना और वहां से अपना जीवन बनना, आशीर्वाद, ब्लेसिंग। तो मेरा ढेर सारा प्यार, मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरे सारे स्टूडेंट्स को। अगली क्लास में मिलते हैं, आ जाओ एक जोश के साथ नारा लगा देते हैं, बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो, मेरे सारे स्टूडेंट्स की जय हो, ईश्वर की जय हो, उस हायर सत्ता की जय हो, खूब कृपा मिले, खूब आशीर्वाद बढ़ते, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।